नमस्कार साथियों स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में साथियों जे एग्जाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें पेपर थ्री स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट वन देखेंगे इस वीडियो में जिसका नाम है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक साथियों बी एक्ट के सेक्शन फाइव में बैंक की डेफिनेशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स टू रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट तो बैंक वो फाइनेंशियल संस्था है जो कि लाइसेंस्ड है पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए और फर्दर उसे लैंड या इन्वेस्ट करने के लिए अंडर सेक्शन फोर्टी नाइन ऑफ बी आर एक्ट नो ऑर्गेनाइजेशन अदर देन बैंक इज ऑथोराइज टू एक्सेप्ट डिपोजिट विद्रॉवल बाई चेक तो फोर्टी नाइन ए के अकॉर्डिंग बी आर एक्ट फोर्टी नाइन ए सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई और संस्था बैंक के अलावा ऐसे डिपोजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती जो कि चेक से हो और एन बी एफ सीज अमाउंट जो एक्सेप्ट करती हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं वो गवर्न होता है एन डिपॉजिट डायरेक्शंस जो कि आर इशू करता है उनके द्वारा सभी बैंक को आर से लाइसेंस लेना होता है और साथ ही जो बैंक हैं उनको एक और नियम है कि उनको अपने नाम के साथ में बैंक शब्द जो है वो जोड़ना होगा और बैंक के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इंडिविजुअल संस्था फर्म ये परमिटेड नहीं है कि अपने नाम के साथ बैंक शब्द जोड़ें बैंक कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं इन एडिशन टू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग बैंकिंग कंपनी में इंगेज इन एनी वन ऑफ और मोर ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस तो कई तरह के बिजनेस हैं जो बैंक कर सकते हैं अपने रेगुलर जो बैंकिंग बिजनेस है उसके अलावा इनमें से कुछ है बोरोइंग रेजिंग और टेकिंग ऑफ मनी मनी रेज कर सकते हैं बोरो कर सकते हैं लैंडिंग और एडवांसिंग ऑफ मनी इधर अपॉन और विदाउट सिक्योरिटी लोन देना चाहे सिक्योरिटी के साथ या बिना सिक्योरिटी के ड्राॅइंग मेकिंग एक्सेप्टिंग डिस्काउंटिंग बॉइंग सेलिंग कलेक्टिंग एंड डीलिंग इन बिल्स जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उनकी ड्राइंग कर सकते हैं मेकिंग बना सकते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं डिस्काउंट कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं ये सभी कर सकते हैं किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज में हंडीज़ प्रामिसरी नोट ड्राफ्ट बिल ऑफ लेडिंग रेलवे रिसिप्ट इन सभी को ड्रॉइंग कर सकते हैं डिस्काउंटिंग कर सकते हैं बाई कर सकते हैं सेल कर सकते हैं कलेक्ट कर सकते हैं तो ये सारे काम बैंक कर सकता है ग्रांटिंग एंड इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एल सी इशू कर सकता है बैंक ट्रेवलर्स चेक इशू कर सकता है सर्कुलर नोट्स इशू कर सकते हैं बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन बुलियन एंड स्पेसी तो ये कर सकते हैं खरीद बेच कर सकते हैं बुलियन और स्पेसीज की साथ ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरन एक्सचेंज इंक्लूडिंग फॉरन बैंक नोट्स परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स स्क्राइप्स और अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ एक्टिंग एज एजेंट फॉर एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स एंड नेगोशिएटिंग एंड इशूंग द सेम तो ये सारे ही काम जो हैं वो बैंक कर सकते हैं परमिटेड हैं कैरिंग ऑन एंड ट्रांजेक्शन एवरी काइंड ऑफ गारंटी एंड इंडेमटी बिजनेस ये भी कर सकते हैं एक्वायरिंग एंड होल्डिंग एंड जनरली डीलिंग विद एनी प्रॉपर्टी और एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी विच में फॉर्म द सिक्योरिटी और पार्ट ऑफ सिक्योरिटी फॉर एनी लोन्स और एडवांस और विच में बी कनेक्टेड विद एनी सच सिक्योरिटी तो कोई भी आई पी में डील कर सकते हैं जो कि सिक्योरिटी uh, का पार्ट हो या फिर उससे रिलेटेड हो अंडरटेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट ट्रस्ट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं अंडरटेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स एज एग्जीक्यूटर ट्रस्टी और अदरवाइज ग्रांटिंग पेंशनस एंड अलाउंस एंड मेकिंग पेमेंट्स टूवर्ड्स इंश्योरेंस सेलिंग इम्प्रूविंग मैनेजिंग डेवलपिंग एक्सचेंजिंग लीजिंग मॉर्टगेजिंग डिस्पोजिंग और टर्निंग इन टू अकाउंट और अदरवाइज डीलिंग विद ऑल और एनी टाइप ऑफ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट ऑफ द कंपनी तो कंपनी के केस में कंपनी के ये सारे ही जो काम हैं वो बैंक्स कर सकते हैं डूइंग ऑल सच अदर थिंग एज आर इंसिडेंटल और कंड्यूसिव टू द प्रमोशन और एडवांसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी तो अपने बिजनेस के हिसाब से इंसिडेंट के इंसिडेंटल के हिसाब से वो है बैंक जो है वो कर सकते हैं एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट स्पेसिफाई एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच इट इज़ लॉफुल फॉर अ बैंकिंग कंपनी टू इंगेज इन सारे कामों के अलावा भी कोई अगर ऐसा काम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गज़ेट में मैंशन कर सकती है और स्पेसिफाई कर सकती है कि वो बैंक उनमें लॉफुली इंगेज हो सकते हैं उन कामों में तो बैंक जो है वो काम भी कर सकते हैं साथियों इन सभी यहाँ पे ये लैंग्वेज आपको टफ़ लग सकती है और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है क्योंकि ये लीगल टर्म्स हैं जो एज़ इट इज़ मैंने लिए हैं और आपको भी एज इट इज़ इनको ध्यान रखना है सारी चीज़ें याद तो नहीं कर सकते एक मोटा मोटा एक आपको एक आइडिया हो जाएगा अगर आप दो तीन बार वीडियो को देखेंगे ताकि अगर कभी क्वेश्चन सामने आता है तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये बैंक इस काम को कर सकते हैं या नहीं लैंग्वेज नो डाउट इसकी टिपिकल है क्योंकि ये लॉ की लैंग्वेज है सारी चीज़ें वर्ड बाई वर्ड आपको याद नहीं करनी है आप बस एक दो बार इसको सुन लें और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके रजिस्टर हो जाएंगी चीज़ें अब हमने इतने सारे बिजनेस देखे हैं जो बैंक कर सकते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो प्रोविटेड हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है दो तीन ही हैं और इनको आप याद रख सकते हैं जैसे सेक्शन एट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो प्रोविट करता है बैंक बैंक को फ्रॉम एंगेजिंग एक्टिविटी ऑफ ट्रेडिंग और एसोसिएटेड रिस्क ट्रेडिंग नहीं कर सकते बैंक और उसके एसोसिएटेड जो रिस्क है उस उस तरह के कामों में नहीं कर सकते आई इट कैन डू सच बाइंग और सेलिंग इन कनेक्शन तो ट्रेडिंग वगैरह बैंक नहीं करेंगे शेयर्स खरीद बेच वो सब जो काम है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है वो सब बैंक नहीं करेंगे विद बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फॉर कलेक्शन और निगोसिएशन जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो कलेक्शन और निगोशिएशन के लिए है उनमें ट्रेडिंग वगैरह बैंक जो है नहीं करेंगे अंडरस्टैंडिंग द अंडरटेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स एज एग्जीक्यूटर ट्रस्टी तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है एग्जीक्यूटर जो है ट्रस्ट की ट्रस्टी के नहीं बनेंगे सेक्शन नाइन प्रोहिबिट्स बैंक्स फ्रॉम होल्डिंग आई पी एक्सेप्ट फॉर इट्स ओन यूज़ फॉर अ पीरियड एक्सेप्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग सेवन ईयर फ्रॉम एक्विजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी अब सेक्शन नाइन साथियों ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो पॉइंट इनफैक्ट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहला जिसमें सेक्शन एट जो कहता है बी एक्ट का कि बैंक जो है ट्रेडिंग वगैरह में सट्टेबाजी में स्पेकुलेशंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे और सेक्शन नाइन जो कहता है कि बैंक आईपी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आई अपनी नहीं खरीदेंगे ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने डिपॉजिट किया और उस पैसे से बैंक जो है प्रॉपर्टी खरीद लें कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे तो वो सब काम बैंक को नहीं करना है हाँ अपने यूज़ के लिए प्रॉपर्टी बना सकते हैं एक्वायर कर सकते हैं लेकिन वो भी कम से कम सात साल तक बैंक को अपने पास रखना होगा ऐसा नहीं है अभी खरीदा और साल दो साल बाद उसके रेट बढ़े तो बैंक ने उसको बेच दिया उससे प्रॉफिट कमाया वो मोटिव नहीं होना चाहिए कंस्टिट्यूशन ऑफ़ बैंक्स देखते हैं साथियों बॉडी कॉरपोरेट कंस्टिट्यूटेड अंडर अंडर अ स्पेशल इंस्टीट्यूट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट और अ फॉरन कंपनी तो बैंक अलग अलग तरह के हो सकते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो सकता है कोई बॉडी कॉरपोरेट कॉरपोरेट जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो स्पेशल इंस्टीट्यूट में या फिर कोई कंपनी हो जो रजिस्टर्ड हो कंपनी एक्ट के तहत या फॉरेन कंपनी हो कॉपरेटिव सोसाइटी हो सकती हैं रजिस्टर्ड अंडर अ सेंट्रल और स्टेट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग होती है दीज बैंक्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्पेशल इंस्टीट्यूट

कोऑपरेटिव बैंक इज इसेंशियली अपरेटिव सोसाइटी दी देर आर टू टाइप ऑफ कॉपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट हो सकते हैं जो एक से ज्यादा स्टेट में ऑपरेट करते हैं और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं अब आरबीआई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर देखते हैं साथ ही आरबीआई जो एस्टेबलिश किया गया था वो आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर के तहत किया गया था यह आया तो नाइनटीन थर्टी फोर में था लेकिन ये लागू एक्ट जो हुआ था RBI की जो स्थापना हुई थी वो अप्रैल फर्स्ट 1935 से हुआ था तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आरबीआई एक्ट कब आया था तो वो 1934 में आया था लेकिन आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था तो ये हुआ था फर्स्ट अप्रैल 1935 को अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमें याद रखने हैं सेक्शन थ्री है इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक तो सेक्शन थ्री के तहत इसकी स्थापना हुई थी आर की सेक्शन फोर में कैपिटल कितना रहेगा आर की स्थापना के समय वो वो दिया हुआ है सेक्शन सिक्स में दिया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिसज ब्रांचेज एंड एजेंसीज आर के कहाँ कहाँ ऑफिस होंगे ब्रांच होंगे एजेंसी होंगी ये दिया हुआ है सेक्शन एट में कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर तो ये दिया हुआ है सेक्शन सेवनटीन में बिजनेस दैट आर कैन ट्रांजैक्ट RBI क्या क्या बिजनेस कर सकता है वो दिया हुआ है सेक्शन ट्वेंटी में ऑब्लीगेशन ऑफ आर टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस तो सेक्शन ट्वेंटी में ऑब्लीगेशन है आरबीआई के ऊपर कि उन्हें गवर्नमेंट बिजनेस करना है सेक्शन ट्वेंटी गवर्नमेंट बिजनेस इन इंडिया तो सेक्शन ट्वेंटी वन में आरबीआई को राइट right दिया हुआ है कि वो गवर्नमेंट बिजनेस करें ट्वेंटी वन ए में आरबीआई टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ स्टेट ऑन एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आर बी आई करेंगे ही करे करता ही है साथ में स्टेट गवर्नमेंट का भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन एग्रीमेंट सेक्शन ट्वेंटी टू जो है वो आर को राइट uh, देता है टू इशू बैंक नोट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है साथियों इसमें क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि विच सेक्शन ऑफ आर एक्ट गिव्स पावर टू आर टू इशू बैंक नोट्स तो सेक्शन ट्वेंटी टू इम्पॉर्टेंट है सेक्शन ट्वेंटी फोर में डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स डिफाइन किया गया है कितने कितने डिनोमिनेशन के नोट जो है वो आर जारी कर सकता है ट्वेंटी में री ऑफ नोट ट्वेंटी सिक्स वन में डिफाइंस लीगल टेंडर ऑफ नोट विड्रॉल ऑफ लीगल टेंडर ट्वेंटी सिक्स टू में है और फोर्टी टू में है साथियों कैश रिजर्व ऑफ़ शेड्यूल्ड बैंक टू बी कैप्ट विद द बैंक तो कैश रिजर्व जो शेड्यूल बैंक का है कितना आर के पास बैंक का मतलब यहाँ आर है साथियों आर के पास कितना रहेगा सी जिसे कहते हैं कैश रिजर्व तो वो जो है फोर्टी में डिफाइन किया गया है फोर्टी यू आर का जो है वो डिफाइंस रेपो रिवर्स रेपो डेरिवेटिव्स मनी मार्किंग इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटीज ये सारी चीज़ें जो हैं फोर्टी फाइव यू में डिफाइन की गई हैं अब आर एक्ट के बाद एक दूसरा जो एक्ट है इंपॉर्टेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इट कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस गवर्निंग द कमर्शियल बैंक इन इंडिया और पहले इसको क्या कहते थे बैंकिंग कंपनीज एक्ट नाइनटीन कहते थे रेगुलेशनस ओवर बिजनेस ऑफ़ बैंकिंग कंपनीज़ बैंकिंग कंपनी के बिजनेस को रेगुलेट करते हैं इसके अंडर रेगुलेशन होता है कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज़ सस्पेंशन एंड वाइंडिंग वाइंडिंग ऑफ़ ऑफ़ बैंकिंग बिजनेस पेनल्टीज़ फॉर वायलेशन ऑफ़ प्रोविजन ऑफ एक्ट तो ये सारे जो हैं बी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन दिए हुए हैं अलग अलग सेक्शंस में अब आर के फंक्शन क्या क्या है हमने काफ़ी हद तक देख लिया है एक बार फिर से उनको आर के मेन फंक्शन है उनको एक बार देखते हैं इशुएंस ऑफ लाइसेंस फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक बैंक खोलने के लिए लाइसेंस देते हैं ब्रांचेस ओपन करनी हो उसके लिए भी बैंक आर से लाइसेंस लेना होता है गवर्निंग फॉरन बैंक्स एंट्री एंड एक्सपेंशन एंड अप्रूवल ऑफ इंडियन बैंक टू ऑपरेट ओवरसीज़ तो बाहर के बैंक जो हैं फॉरन बैंक इंडिया में ऑपरेट करेंगे उनको भी आर बी आई गवर्न करेगा अगर इंडियन बैंक कोई है जो ऑपरेट करना चाहता है ओवरसीज़ तो उसकी भी जो गवर्नेंस है एंट्री एक्सपेंशन जो है अप्रूवल्स जो है वो आर से मिलेंगे पॉलिसी फार्मलेसन रिव्यू एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडेंशियल नॉर्म्स बेसल टू थ्री फ्रेमवर्क वैलिडेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मॉडल्स ऑन क्रेडिट मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क स्ट्रेस टेस्टिंग ये सारे काम जो है वो आर करता है कि बेसल टू या थ्री कौन सा लगाया जाएगा और क्रेडिट मार्केट ऑपरेशनल रिस्क स्ट्रेस टेस्टिंग ये सब जो है वो आर देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आई एफ आर एस सिक्योरिटाइजेशन रिजोल्यूशन मैकेनिज्म आर बी आई के फंक्शन हैं। मॉनिटरिंग मेंटेनेंस ऑफ एस एल आर एंड सी आर आर बाई बल आर और सी आर आर बैंक के द्वारा मेंटेन किया जा रहा हो इसको भी इंश्योर करते हैं आर बी आई अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्ड टाइम डायरेक्टर एंड पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ प्राइवेट बैंक सीईओ ऑफ फॉरन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड देयर कंपनसेशन पैकेज तो जो होल टाइम डायरेक्टर हैं या पार्ट टाइम चेयरपर्सन है प्राइवेट बैंक का हो चाहे वो या फिर सी हो फॉरन बैंक के जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं और उनके कंपनसेशन पैकेज जो है उनको अप्रूव करता है आर बी आई ओवर सीइंग द एमलगमेशन रिकन्स्ट्रक्शन एंड लिक्विडेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी अगर एमलगमेशन होना है कोई बैंक दूसरे बैंक में मिल रहा है या रिकन्स्ट्रक्शन होना है या फिर बैंकिंग कंपनी का लिक्विडेशन होना है वो सारा जो है आर बी आई की निगरानी में होता है पॉलिसी पॉलिसी इश्यूज रिलेटिंग टू कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो पॉलिसीज इशू की जाए पॉलिसी गाइडलाइंस जो है वो आर इशू करता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग केवाईसी तो केवासी एमएल गाइडलाइंस जो है वो आरबीआई इशू करता है रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है आर बी आई अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग प्रायर अप्रूवल फॉर एक्विजिशन ऑफ फाइव परसेंट ऑफ मोर ऑफ द शेयर्स और वोटिंग राइट्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक फाइव परसेंट से ज्यादा अगर एक्विजिशन शेयर्स अगर लेना हो या वोटिंग राइट्स लेने हो तो उसमें प्रायर अप्रूवल आरबीआई का रिक्वायर्ड होता है इंस्पेक्शन एंड सुपरवाइज बैंक बैंक जितने भी हैं उनको इंस्पेक्ट करना प्लस सुपरविजन उनका जो करना है वो आरबीआई का फंक्शन है गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर ऑफ बैंक्स सेक्शन सेवन ऑफ आरबीआई एक्ट इंपावर द गवर्नमेंट टू इश्यू डायरेक्शन टू द आरबीआई अब आर बी आई बैंक्स को गवर्न करता है बट सेक्शन सेवन जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का वो आर बी आई सॉरी सेक्शन सेवन ऑफ आर बी आई एक्ट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो है वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो आर बी आई को डायरेक्शन इशू कर सकती है समय टाइम टू टाइम जब भी वो जैसा जरूरी समझे सेक्शन थर्टी फाइव डबल ए ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट गिव्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथराइज़ रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व बैंक टू इशू डायरेक्शन टू एनी बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग कंपनीज़ टू इनिशिएट इन्सॉल्बेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिफॉल्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ इंसॉल्बेंसी एंड बैंकसी कोड टू थाउजेंड सिक्सटीन तो इसमें क्या है थर्टी फाइव डबल ए जो है बी आर एक्ट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर करता है कि वो आर बी आई को डायरेक्शन दे किसके लिए कि अगर कोई इंसॉलबेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है बैंकिंग कंपनी का उसके रिगार्डिंग जो है ऑर्डर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है आरबीआई को सेक्शन 52 टू ऑफ बी आर एक्ट एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स आफ्टर कंसल्टेशन विद आर बी आई नेसेसरी फॉर द पर्पज़ ऑफ़ गिविंग इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट तो सेक्शन 52 जो है बी आर एक्ट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर सकता है कि वो आर के साथ कंसल्टेशन में uh, नेसेसरी बन, रूल्स बना सकते हैं जो कि प्रोविजन फॉर गिविंग फॉर द पर्पज़ ऑफ़ गिविंग इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ है ताकि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका पालन किया जा सके उसके जो प्रोविजन्स हैं उनको एडियर किया जा सके अब तीसरा एक इंस्टीट्यूशन है साथ ही होफ़ आई यू आई एन डी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग प्रोसेसिंग एनालाइजिंग एंड डिस डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्ट फाइनेशियल ट्रांजेक्शन जो भी सस्पेक्ट सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगी उनके बारे में उन पर निगरानी रखने का काम जो है वो एफ़ आई यू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का है और ये जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि किसको रिपोर्ट करती है जो रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट काउंसिल को और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर तो यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफआईयू को कंट्रोल करती है एफ आई यू क्या है एफ आई यू सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे नजर रखने वाली संस्था है कंट्रोल ओवर कॉपरेटिव बैंक कॉपरेटिव बैंक पे कैसे कंट्रोल किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ सच बैंक एज वेल एज देयर मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाई कॉपरेटिव लॉ ऑफ स्टेट तो कॉपरेटिव बैंक्स जो होते हैं उनके जो स्टेट जो पर्टिकुलर जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां के लॉ के हिसाब से उनको रेगुलेट किया जाता है कॉपरेटिव बैंक ऑपरेटिंग इन मोर देन वन स्टेट और जो कॉपरेटिव बैंक एक से ज्यादा स्टेट में काम करते हैं उनके ऊपर मल्टी स्टेट काऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एप्लीकेबल होता है जो एक स्टेट में काम करेंगे उनको कॉर्पोरेट लॉ उस स्टेट का जो है उसके हिसाब से काम करना होगा जो मल्टी स्टेट में काम करेंगे तो वहाँ पे मल्टी स्टेट काऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 56 इन बीआर एक्ट इन 1965 सिक्सटी फाइव दीज बैंक केम अंडर रेगुलेटरी पर ऑफ आर और सेक्शन फिफ्टी जो है बी एक्ट का जो 1965 में उसमें जोड़ा गया बी एक्ट में इसके बाद में ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स जो थे वो आरबीआई के परव्यू में आ गए हैं यानी कि आरबीआई उनको डायरेक्शन जारी कर सकता है कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी एक्ट तो जो कोऑपरेटिव बैंक इस एक्ट के अंडर रजिस्टर हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी एक्ट के अंदर रजिस्टर हैं आर हैज़ पावर टू ऑर्डर देयर वाइंडिंग अप एज मैंशन इन थर्टीन डी ऑफ द एक्ट तो आर उन सभी बैंक्स को आर को पावर है कि उनकी वाइंडिंग अप का जो है ऑर्डर पास कर सकती है जो कि मेंशन है सेक्शन थर्टीन डी ऑफ द एक्ट तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था ये यूनिट वन थी जो लीगल थर्ड पेपर की जे के और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो साथियों जरूर लाइक करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज जे के जितनी भी वी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें तो साथियों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू